Hey my dear students, what's up? Once again I have come to you. अभी जो हम सीख रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। और विंडोज के अंदर हमने अभी तक 10 चैप्टर कर चुके हैं। ये पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, ये सेकेंड चैप्टर है इंटरफेस, ये थर्ड चैप्टर है न्यू फोल्डर, फोर्थ चैप्टर है रिनेम फोल्डर, फिफ्थ चैप्टर है डिलीट फोल्डर, सिक्स चैप्टर है रजिस्टर फोल्डर, सेवन चैप्टर है चेंज आइकॉन फोल्डर, एट चैप्टर है हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, नाइन चैप्टर है हाउ टू चेंज साइज प्रोग्राम्स फोल्डर्स फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर, एंड द टेंथ चैप्टर है हाउ टू शो हाइड प्रोग्राम्स फाइल फोल्डर्स फ्रॉम डेस्कटॉप। तो ये अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि मान लीजिए आप यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स या प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर लेकर आए हैं और वो सारे फोल्डर्स फाइल्स बिल्कुल बिखरा हुआ है, मतलब पूरे डेस्कटॉप पे यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ बिखरा हुआ है, तो उसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे? मैं आपको इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम करके बताते हैं, ठीक है? तो आज हम एक नया चीज सीखेंगे, हाउ टू सेट अरेंज, हाउ टू अरेंज ऑल फाइल्स फोल्डर्स प्रोग्राम्स ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पर किसी भी प्रोग्राम्स फाइल्स या फोल्डर्स को हम किस प्रकार अरेंज करेंगे, आज हम ये वाला चीज सीखेंगे। इसके लिए मैं कुछ प्रोग्राम्स लेकर आता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये लेकर आ जाता हूँ प्रोग्राम्स, पहले कुछ फाइल्स हम ले लेते हैं, नहीं तो फिर ना मजा नहीं आएगा। ये पेंट है ना, ये स्नैपिंग टूल, ये वाटपैड, और भी कुछ ले लेते हैं, योर रिकॉर्डर, ठीक है, और कुछ है क्या, योर फोटोशॉप, ये हिंदी टाइपिंग ले लेते हैं, ठीक है, और क्या ले लें, ये मोजिला फायरफॉक्स ले लेते हैं, गेम्स ले लेते हैं, गेम्स, ठीक है। अब ये फोल्डर को मान लीजिए किसी ने इसको इस तरीके से रखा है, इसको मैंने इस तरीके से रख दिया, इसको छोटा कर देते हैं, है ना, इसको इस तरीके से मैंने रख दिया, इसको इस तरीके से रख दिया। ये कुछ ऑपरेटर का ना ऐसा आदत रहता है, पूरे फोल्डर फाइल को ना बिगाड़ के रखते हैं ऐसे ऐसे करके, मैंने इसको डेकोरेट करके रखा, ठीक है, ऐसे करके आपका फाइल है। या फिर आपके घर में मान लीजिए कोई छोटा भाई है बहन है और वैसे मस्ती मस्ती में आपके पूरे फोल्डर को बिगाड़ के रख दिया, अब आप आके देख रहे हो कि उसने पूरा फाइल को ऐसे करके रख दिया, आप उनको आप मारेंगे या उनको डांटेंगे? आप तो सोचेगा कि भैया दीदी आएंगे मुझे बहुत मारेंगे, है ना, बट आपको घबराने, वो तो देखेंगे आपने आए और आप सोचोगे अरे यार सच में ऐसा ऊपर दिया, अब मैं क्या करूंगा, आप उसको बहुत डांटोगे, पर डांटने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी फाइल ऐसा है ना, अगर आप एक एक करके यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तो कितना समय लगेगा, बिल्कुल अरेंज भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खाली जगह पर ध्यान रखना, प्रोग्राम्स के ऊपर नहीं, खाली जगह पर राइट क्लिक करे, यहाँ पे करे, यहाँ पे भी कहीं पे भी खाली जगह पर राइट क्लिक करे, व्यू में जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज आइकॉन्स, ऑटो अरेंज आइकॉन्स पे हम क्लिक जैसे ही कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फाइल फोल्डर्स था ऑटोमेटिक अपने अपने हिसाब से हो गया। फिर आप उस फोटो यहाँ पे लेकर आएंगे, आप देखिए नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ से ऑटो अरेंज आइकॉन्स चालू है, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा अब इसको उठाकर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यानी आपको अगर कोई फाइल फोल्डर को इस ग्रुप में शामिल नहीं करना है, उसको उठाकर कहीं साइड में करना है, तब राइट क्लिक करके
ऑटो अरेंज आइकॉन्स को हटा दीजिए, और अगर रखना वैसे के वैसे ही है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सब प्रोग्राम्स यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, ऑटो आइकॉन्स टू ग्रिड का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए इसको आप कहीं पर भी इस तरीके से कर सकते हैं, इस टाइप से। ये देखिए कोई भी प्रोग्राम्स को किसी भी जगह पर आप इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑटो अरेंज आइकॉन्स का यूज करते हैं कि उसमें। ठीक है, अगर आपको ऑटो अरेंज आइकॉन्स ये चालू रहेगा तो आप ध्यान रखना किसी भी प्रोग्राम्स को हम उठाकर नहीं रख सकते। अगर ऑटो अरेंज आइकॉन्स को मैं हटा देता हूँ तो मैं किसी भी प्रोग्राम्स को उठाकर इधर उधर कर सकता हूँ। तो ये आज हमने सीखा कि किस प्रकार किसी भी फाइल फोल्डर प्रोग्राम्स को डेस्कटॉप पर हम ऑटो अरेंज सेट करके एक जगह पर व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।